तो यहाँ पर जी हम हो गए हैं तैयार और हमारे साथ जो है जिया को भी पीछे देख लेंगे उधर आ रही है। बात क्या है, हमारे एक भैया है उन्होंने अपना होटल खोला है तो आज उसका ओपनिंग सेरेमनी है, वहाँ पर चलेंगे और चल करके देखते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और जो है क्रियांश अभी सो के उठा है। एक क्रियांश अभी चो के उठा है। राधे राधे क्रियांश। हम गए थे अंदर कुछ सामान लेने के लिए, देखिए कि क्रियांश जो है आराम से इधर लेट रहा है, जिसका नजर मेरे ऊपर पड़ा फट से उठ गया खड़ा हो गया। ये बहुत देर से कर रहा था, हम इसलिए बंद कर दिए थे। अच्छा, पापा को देखा था, सोचा पापा आ गए, उठ जाते हैं हम। क्रियांश, क्रियांश का नाइट ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत कम्फर्टेबल भी है। जय किया क्रियांश, आज तुम आज तो नहीं किया भैया, जाओ जय कराओ, पूजा रूम ले जाइए इसको। क्रियांश डेली उठ के जाता है लड्डू गोपाल के पास जय जय करने के लिए। जय कर दो तो लड्डू गोपाल को। जय देखे इसको अच्छा पता है, था प्यार भी कर लिया। देखे 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 आ जा, बाय बाय कह दो, बाय कर दो, बाय कर दो। आ जा पापा को जय कर लो, पापा को चलो, पापा को जय कर लो। हाँ मैं पी रही हूँ कॉफी, पतिदेव का भी कॉफी है लेकिन वो एक बार में फिनिश कर जाते हैं, इतना गर्म रहता है फिर भी तुरंत पी जाते हैं, और मेरे से गर्म पिया नहीं देता, पूरा पी लिए और हम ना बहुत धीरे धीरे पीते हैं, ये बोलेंगे तुम तो ठंडा करके पीती हो, हमसे होता ही नहीं इतनी जल्दी तुरंत पी लेना। कान्हा एकदम कान्हा लग रहा है। क्रियांश चला गया है नीचे और पतिदेव अपना नाश्ता करके चले गए हैं काम करने के लिए, और इस रूम में पतिदेव काम करते हैं, उस रूम को लॉक कर लेते हैं क्योंकि बार बार क्रियांश आता है और पापा को नॉक करता है और कहता है चलो मेरे साथ बैट बॉल खेलने के लिए। तो पतिदेव अपना रूम लॉक कर लिया और मैंने धोए बहुत सारे कपड़े, एक बाल्टी डेली इतना कपड़ा हो ही जाता है। बात क्या है ना कि क्रियांश जो है दिन में 4 से 5 कपड़े चेंज करता है, और अभी ठंड का सीजन है तो कपड़े भी ज्यादा हो जाते हैं, एक सेट में कम से कम 3-4 कपड़े तो हो ही जाते, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और मैं एक दिन छोड़ दूं ना कि होता है ना आज थक गए आज नहीं करेंगे कल करेंगे तो और ज्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं इधर से, मेरा क्या था ना कि एक बार कपड़ा जमा होता है फिर मैं धोती हूँ, लेकिन इधर से क्या हो गया है ना कि मुझे डेली कपड़ा धोना ही पड़ता है, ये सोच के कि अगर मैं आज छोड़ दूं ना तो कल इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो चलते हैं छत पे, तो ये है हमारा कपड़ा। तो सारे कपड़े मैंने फैला लिए, अब चलते हैं नीचे, और क्रियांश भी आवाज लगा रहा है। तो क्रियांश भी आ गया है अब अपनी दादी के साथ, तो बाबा को कुछ करने ही नहीं दे रहा था। नहीं, कुछ नहीं। बाबा ड्यूटी छोड़ के इसके जवाब लग रहे हैं। चलो यहाँ लो अपना सामान, लो ए सामान ले लो, दादी कुछ दे रही है, डांस बाद में करना है। हेलो अपना सामान लो, ठीक है, हम खाना बनाएंगे तो आपको बुला लेंगे। जय करो दादी को, दादी को जय कर लो, पहले दादी को जय कर लो। खुश रहो बेटा, दीर्घायु रहो, दुनिया का हर अरमान नसीब। चाचू को करो, चाचू को, चाचू को भी करो, जाओ करो चाचू को। यही आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु। हो गया, बाय क्रियांश, डांस कर रहा था नहीं, डांस, हाँ डांस कर, डांस करो, डांस डांस करके दिखा बउआ, डांस करके दिखा मम्मा को थोड़ा और। हाँ बेटा, इसको मम्मा रख देती है इसको बाथरूम में, और बाथरूम को लॉक कर देती है क्योंकि क्रियांशी आ जाएगी। पापा को लॉक करने के आए बेटा, बेटा A few moments later. तो हम लोग यहाँ बैठे थे और हमें लगा मेरा बेटा इतना शांत कैसे बैठा है, तो हम जैसे उठ के देखे तो यहाँ देखे क्या कर रहा है। हम उसके लिए खाना रख के आए थे कि उसको खाना खिलाएंगे, खुद कटोरी उठा के पूरा छीट छाट के बैठा हुआ है। क्या है, दाल चावल है? हाँ दाल चावल था। तो यहाँ क्रियांश कान्हा के रूप में क्या कर रहे हो भैया, पूरा छीट छाट के पूरा गंदा लगा लिया है, पूरा नाइट शूट खराब कर दिया। One hour later. तो अभी हो गया जी दोपहर का समय और हमें लग गई है भूख, तो अभी खाना खाना है, और फिलहाल क्रियांश जो है यहाँ पर अपना घूम रहा है।
कुछ देर में लग रहा था कि सोने वाला है लेकिन अब जो है नींद पूरा गायब है इसका, तो अब जो है खेलेगा ही कुछ देर और हमारा खाना भी लग गया है तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। अभी बज रहे हैं 2 और हमारा बेटा डेली सो जाता था 1 बजे के करीब और आज सो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मैं थक गई हूँ तो फिर मैंने इनको बोला कि अब आप पकड़िए, हमसे नहीं हो पाएगा। और इसका दिक्कत क्या होता है, इसको जगने का जगने दे, खेलने का खेलते रह जाए, कोई दिक्कत होगा क्या कि अभी अगर नहीं सोएगा ये तो शाम में शाम में जाकर के सो जाएगा, फिर इसका रूटीन गड़बड़ हो जाता है। हाँ, शाम में सोएगा फिर क्या करेगा, नहीं शाम में सोया ही रहेगा रात के 1 बजे तक, 1 बजे 2 बजे तक। हाँ, उसके बाद उठ जाएगा ना। इसमें क्या होता है ना, इसका टाइम टेबल खराब हो जाता है और 3-4 दिन तक लगातार ऐसा ही चलता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। क्रियान जी वहाँ पे ये जी लगा लेता है आयरन को, प्रेस लगता है कि नहीं इससे? हाँ, लगा लिया था मॉर्निंग में और पता है कि गर्म हो गया था आयरन, और फिर हम आए तो देखे जाए तो ऑन है तो फिर हमने बंद किया। और जो है ना, हम लोगों को अभी वीडियो भी शूट करना था, हमने सोचा था कि अभी हम रेडी हो करके 2 या 3 बजे तक करके वीडियो बना लेंगे क्योंकि आज शाम में फिर हम लोगों को जाना भी है कहीं पे, है ना? बिल्कुल जी, और आज जो है 2-2 फंक्शन है और एक तो शाम में जाना है, एक होटल का ओपनिंग है हमारे एक भैया है उनका, और साथ में जो है हमारा एक दोस्त है उसका रिसेप्शन है। बिल्कुल, उसका रिसेप्शन है तो उस रिसेप्शन में भी हम लोगों को जाना है। बैक टू बैक इतने सारे फंक्शन है, ये बात दिसंबर जो है फंक्शन का ही पूरा महीना है। हाँ, बात ये अलग है कि हमारे घर में नहीं है लेकिन बहुत सारे रिलेटिव में है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन मन करता है कि पूरा शादी एंजॉय करने का, लेकिन रिसेप्शन कभी ये कभी वो डेली 1-2, मतलब लोग कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए ऐसा हो गया है। और ये देखिए पंखा ऑन कर दिया, लगा लिया ना, देखिए बहुत बदमाश हो गया है लड़का, वहाँ से हटाना पड़ेगा, कभी कपड़ा उपड़ा सारा कुछ जला देगा ये। यहाँ पे रो रहा है इसलिए क्योंकि प्रेस कर रहा है क्रियांश को और पापा ने हटा दिया। क्रियांश को चार्जर मिल गया है लगाने के लिए, उसमें इतना रो रहा था कि हमने एक चार्जर दे दिया है कि चलो लगाओ तुम बैठ के। थैंक यू क्रियांश, थैंक यू, हम लगा दें। ओके, आ लगा देती, मम्मा लगा देती। 6.5 hours later तो यहाँ पर जी हम हो गए हैं तैयार और हमारे साथ जो है जिया को भी पीछे देख रहे होंगे, उधर आ रही है तो जिया भी तैयार हो गई है और पूरा परिवार यहाँ पर तैयार है और सभी लोग जो है यहाँ से हम लोग कर रहे हैं जाने की तैयारी। बात क्या है, हमारे एक भैया है उन्होंने अपना होटल खोला है तो आज उसका ओपनिंग सेरेमनी है, वहाँ पर चलेंगे और चल करके देखते हैं। हमारे स्टाफ है विभादी, अच्छा, पारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनके बेटा बिट्टू, उसको मैंने क्रियांश कितना बड़ा से ही देता। अच्छा, लेकिन आज होटल खोल रहा है, उसी का उद्घाटन है, बहुत खुशी होती है जब बच्चे विकास करते हैं। बिल्कुल, उसको बधाई देने और आशीर्वाद देने या भोज खाने जो भी समझो जा रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। हम लोग तो चलते हैं जी, और क्रियांश सभी अभी सो करके उठा है और सोने में जो तमाशा किया है पूछिए मत। तो सभी लोग जी पहुंच गए हैं वहाँ जो नया होटल है जिसका इनॉग्रेशन आज होने वाला है, तो हम लोग सभी लोग आ गए हैं और यहाँ ठीक है जी स्कॉटिश पब्लिक स्कूल जो है उसी से ठीक बगल में है और उससे एग्जैक्ट लोकेशन जो है पीछे आपको पीला रंग का बिल्डिंग देख रहे हैं, जीडी गोयनका का प्ले स्कूल है वह, तो उसी के ठीक सामने वह खुला हुआ है। हम लोग अभी अंदर चलते हैं और चल करके देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हमारी पूरी फैमिली जी पहुंच गई ओपनिंग सेरेमनी में और ओपनिंग सेरेमनी को लेकर के देख रहा था कि लगभग वहां पर सारा इंतजाम हो चुका था और इस सेरेमनी के दौरान जो मैं देख रहा था किसी एक शख्स के जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी थी वह थी हमारी माँ। जी हाँ, जब भी किसी तरह का कोई भी ओकेजन होता है मम्मी के किसी भी कलीग का तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश होती है। होता क्या है जी कि मम्मी का हो गया है रिटायरमेंट और उसके बाद जो है मम्मी को कम ही समय मिलता है कि घर से बाहर जा पाए, क्योंकि क्रियांश भी जो है अच्छा खासा इन्वॉल्व करके रखता है और इसी तरह का कोई ओकेजन होता है तो उसी के समय जो है मम्मी को मौका मिलता है यहाँ पर आने का। और जब वहाँ गए थे तो हमने देखा कि लगभग मम्मी के जितने भी फॉर्मर कलीग थे जितने भी सहपाठी थे सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और मम्मी लास्ट टाइम जहाँ पर ड्यूटी की थी वहाँ से भी बहुत सारी मम्मी के जूनियर सब भी आए हुए थे, तो सभी लोगों से मुलाकात हुई और काफी अच्छा लगा और देखा कि भैया ने जो है अच्छा खासा बैंकेट हॉल खोल रखा है। तो यह बैंकेट हॉल ही सिर्फ नहीं है जी, यह 3-in-1 एक कह सकते हैं कि एक होटल है जहाँ पर आपको होटल भी है बैंकेट हॉल भी और रेस्टोरेंट भी मिल जाता है और यहाँ पर घर के जो सबसे सीनियर मेंबर है उनके जरिए जो है रिबन कटवाया जा रहा है और काफी अच्छा लग रहा था जी और काफी खुशी हुई अपने भैया को देखकर। वह एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब यह सब कुछ हो गया तो उसके बाद जो है बारी आई मीडिया बाइट की, तो हमने सोचा कि वह मीडिया बाइट जो है कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। फैमिली केबिन है, सारा कुछ है, मॉकटेल है, नॉन वेज है, वेज है, चाइनीज तंदूरी हर चीज मिलेगा आपको। पार्किंग के लिए क्या पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे सफिशियंट है, आप कभी भी आएंगे आपको 25-30 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हमेशा अवेलेबल मिलेगी। बुकिंग के लिए क्या? अगर आप बैंकवेट एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नंबर है 7325004005 पे आप कॉल करके एडवांस बुकिंग कर सकते हैं।
अगर आप फैमिली केबिन बुक करना चाहते हैं तो फिर से आप इसी नंबर को डायल करें 7325004005। नमस्ते कटिहार, नमस्ते कटिहार, नमस्ते कटिहार।